पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशानुसार व गोरखपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ तथा सीओ क्राइम गोरखनाथ प्रवीण सिंह के पर्यवेक्षण में शाहपुर थाने और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी, जहां धर्मपुर आवास विकास कॉलोनी थाना शाहपुर का रहने वाला मोइनुद्दीन अंसारी पुत्र नसरुद्दीन अंसारी अभी एक माह पूर्व ही जेल से छोड़कर आया था, फिर से अपराधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मोइनुद्दीन अंसारी एक शादी में पार्टी के दौरान लोगों को असलाह दिखाकर उन्हें धमका रहा था, जिसका वीडियो पुलिस के पास में आ गई थी। तभी से शाहपुर थाने की पुलिस और स्वाट टीम गोरखपुर काफी प्रयास के बाद मोइनुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास 32 बोर की एक पिस्टल और एक अदद कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि पूर्व में भी मोइनुद्दीन अंसारी पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ था, जिसके ऊपर बाद में गैंगस्टर भी लगा था। इन सब बातों का खुलासा आज गोरखपुर पुलिस लाइन सभागार कक्ष में गोरखपुर नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने सीओ क्राइम गोरखनाथ प्रवीण सिंह साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में बताई। ये कप्तान साहब के निर्देशानुसार सभी पुराने अपराधियों पर शिकंजा के साथ कसा जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में SHO शाहपुर द्वारा एक अच्छा अपराधी पकड़ा गया है, जो पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर जेल गया था और लगभग एक महीने पहले ये जेल से बाहर आए, ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा। ये मोइनुद्दीन अंसारी हैं, पुत्र नसीरुद्दीन अंसारी, आवास विकास कॉलोनी शाहपुर के रहने वाले हैं और एक पार्टी में इनके द्वारा कई लोगों को असला लहराते हुए धमकी देने का वीडियो भी आया था और ये काफ़ी सनसनीखेज रहा था मामला। इसी क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक असला भी बरामद हुआ है, एक पिस्टल है 32 बोर की। तो इनके ऊपर काफ़ी पुराना आपराधिक इतिहास है, ये अपने खुद के गैंग के साथ ऑपरेट भी करते थे, इन पर पूर्व में गैंगस्टर भी लगा हुआ है और इस प्रकार एक अच्छी सफलता शाहपुर पुलिस को इसमें प्राप्त हुई। सर, पिस्टल कहाँ से इनके पास आई? ये पिस्टल की जानकारी ली जा रही है, पुराने अपराधी हैं, इनके पास पूर्व से कई असले रहे हैं और इन्होंने कहीं फायरिंग भी की थी जिसमें पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। तो इनके पास असला के कई सोर्स हैं, अभी उनको ट्रेस किया जा रहा है कि कहां कहां से इनको असला प्राप्त हुआ। अरे में सर कोई और भी शामिल था? ये पुराना मुकदमा है जिसमें ये पूर्व में जेल गए थे, अभी ये दोबारा से सरफेस हुए थे, अपने गैंग के साथ अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में इनके द्वारा 2-3 जगहों पर असला लहराया गया था, उसी में इनको पकड़ा गया। सर अन्य जिलों में भी इनके आपराधिक इतिहास को अभी खंगाला जा रहा है। अभी गोरखपुर का आपराधिक इतिहास हमारे पास है जिसमें शाहपुर में कई मुकदमे इनके ऊपर हैं और जनपद के अन्य थानों में भी इन पर मुकदमे हैं। प्रेस नोट में सारा दिया गया है और भी इनके जो आपराधिक इतिहास है उनको निकाला जाएगा। आगे भी इनके ऊपर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।